हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता गोयल दिस साइड। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्या शेयर करेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में प्रेस कर दें, तो जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो पुराने मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, आई नो मेरी वीडियोज अब चैनल पर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा मैं वीडियोज डिले करी अपलोड करने में, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं जुलाई मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट लिपस्टिक्स बॉक्सेस है उनका रिव्यू सर्चेस करूंगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट लिपस्टिक बॉक्स है ये ज़्यादा पुराना लॉन्च नहीं है, रिसेंट लॉन्च आई थिंक अप्रैल मंथ में लॉन्च हुआ था। तो मुझे ये लिपस्टिक ट्राई आउट करने थे, मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज देखे थे, तो मुझे पर्सनली ट्राई आउट करने थे और मुझे कुछ शेड्स भी ठीक लगे, तो इसीलिए मैंने ये लिए थे, रिव्यू पर्पज के लिए ही नहीं लिए थे मैंने लिपस्टिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो ये वो मार्स कॉस्मेटिक के मैट लिपस्टिक बॉक्स है जिनकी पैकेजिंग ऐसी है। तो ये आउटर पैकेजिंग है, तो आउटर पैकेजिंग पर आप देख सकते हैं पर मार्स लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ थ्री मैट बॉक्स और डिजाइन इन इंडिया। तो टॉप पर आप लोगों को शेड नेम और मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए और शेड नंबर मेंशन है। तो बैक पर आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन है, इंग्रेडिएंट लिस्ट है, प्राइस क्वांटिटी बेस्ट विद और कुछ डिटेल्स और भी हैं और यहाँ पर लेवलिंग भी है, तो आप देख सकते हैं। सो ये जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट लिपस्टिक बॉक्सेज हैं इनके बारे में बताना चाहूँगी, आप लोगों के 4 डिफरेंट शेड्स में मिलेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को शेड रेंज अच्छी मिल जाती है, काफ़ी सारी शेड कलर मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को 4 डिफरेंट में मिलेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वो रेड एंड मरून जो मेरे पास है, सेकंड वाले पीचेज एंड न्यूड्स मैं ले नहीं पाई थी, और थर्ड वाला प्लम्स, तो प्लम शेड्स मुझे नहीं चाहिए थे तो इसलिए नहीं ली थे। और फोर्थ वाला है ब्राउन्स वाला, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रेड एंड मरून लिखा हुआ है, एक्चुअली बॉटम पर भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को ईच बॉक्स के अंदर 3 लिपस्टिक्स मिलेंगी और तीनों ही शेड्स डिफरेंट होंगी। तो रेड एंड मरून वाले में आप लोगों को रेड जो कलर रेंज है उसमें मिलेगा कलर फैमिली में, और ब्राउन वाले में आप लोगों को ब्राउन कलर फैमिली में लिपस्टिक के शेड्स मिलेंगे। तो इनका जो ईच का रिटेल प्राइस है ईच बॉक्स का है 447 और क्वांटिटी जो है 3.2 ग्राम ईच लिपस्टिक की है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। तो क्वांटिटी इसके अंदर अच्छी है और प्राइस भी अफोर्डेबल ही है, और इनकी मैं शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 5 ईयर्स, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि 5 ईयर्स की इनकी शेल्फ लाइफ है और ये डिज़ाइन इन इंडिया है, तो शेड रेंज भी मुझे ठीक लगी है। तो ये मैंने इसमें 2 ही लिए, रेड एंड मरून एंड ब्राउन्स वाले। सो ये जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट लिपस्टिक के बॉक्सेज हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर और मार्स कॉस्मेटिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैंने तो ये फ्लिपकार्ट से लिए थे ऑफर में, तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेज में लिए थे, 245 आई थिंक मैंने पे किया था ईच बॉक्स का, तो मुझे हैवी डिस्काउंट में मिल गए थे। मैं आप लोगों के लिए फ्लिपकार्ट वाले के परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो अब मैं आप लोगों को ये लिपस्टिक की मेन पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो ये देखिए ये लिपस्टिक की मेन पैकेजिंग है, यहाँ पर आपको 3 लिपस्टिक्स मिलेंगी, तो कलर कोऑर्डिनेटेड है पैकेजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्स मैट लिपस्टिक लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्लोज से। तो ये देखिए यहाँ पर मार्स मैट लिपस्टिक लिखा हुआ है, बॉटम पर आपको शेड नंबर मेंशन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। सो ये मेन पैकेजिंग जो मुझे अच्छी लगी, कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली आपके पॉकेट में आ जाएगी, और ये क्या कहते हैं ब्लड फॉर्मेट में भी है। और अगर मैं इनके कुछ डिसएडवांटेज की बात करूँ पैकेजिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कोई शेड नेम नहीं है, तो मुझे लगता है शेड नेम मेंशन होना चाहिए, और आप लोगों को ये सिंगल शेड में नहीं मिलेगा, आप लोगों को बॉक्स ही परचेस करना होगा। और एक चीज़ मुझे ये पसंद नहीं आई, मुझे ये पता नहीं क्यों मार्स कॉस्मेटिक के लिपस्टिक में जब भी मैं परचेस करती हूँ हमेशा मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलता है। तो ये जो लिपस्टिक का मोल्ड है इसके अंदर जो लिपस्टिक है ये सारा बाहर आ गई थी, तो मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे, तो मैंने इनको 1 वीक के लिए फ्रीजर में रखा था थोड़ा सेट होने के लिए, तो सारा लिपस्टिक ये मोल्ड में से बाहर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि मार्स कॉस्मेटिक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये जो नॉन ट्रांसफर बटर स्टिक मैंने ली थी लास्ट टाइम उसमें भी था सारी लिपस्टिक में और अभी भी है, तो ये मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगी है। अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप लोगों को 447 में 3 लिपस्टिक्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, और आप लोगों को हमेशा ऑफर्स एंड डिस्काउंट में मिल जाएंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनकी चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों के साथ ये जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट बॉक्सेस के लिपस्टिक्स हैं इनके फीचर्स की बात कर लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एप्लीकेशन 1 स्वाइप है, इजीली और स्मूथली ग्लाइड होते हैं, और ये कंफर्टेबल है, लाइट वेट, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। इनका जो फॉर्मूला है क्रीमी मैट वाला है और ये सेटल हो जाता है सॉफ्ट मैट में।
सो इनका जो फॉर्मूला है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला सॉफ्ट मैट वाला है, आप लोगों के लिप्स को ही ड्राई आउट नहीं करेगा, और इसको अप्लाई करने से पहले आप लोगों को लिप बाम अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, कवरेज अच्छा है इनका, अच्छे से कवर करता है आपके लिप्स को। तो मैं थोड़ा सा एंड पर सर्च करके दिखा देती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को हैंड और लिप स्वेच सारे शेड्स के दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये कितना इजीली ग्लाइड हो गया है, वन स्वाइप है ये, और ये शेड मेरा फेवरेट है। तो ये शेड नंबर 2 है रेड एंड मरून्स वाले में, अल्ट्रा मैट नहीं है, फुल मैट नहीं है लिपस्टिक्स, बट आप इनको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये जो मार्स कॉस्मेटिक के मैट बॉक्सेस वाली लिपस्टिक्स हैं, ये स्मच प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, आपके लिप्स पर डिसेंट आर तक स्टे करेंगी, 4 to 6 hours डिपेंड करता है, अगर आप लोग हैवी मील या ग्रीजी मील खा रहे हैं तो ये फेड हो जाएगी, आप लोगों को रीअप्लाई करना पड़ेगा, सेंटर पार्ट से फेड होगी, बट रीअप्लीकेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है क्रीमी वाला है, स्मूथली ग्लाइड होते हैं। सो ये सारे फीचर्स ये मार्स कॉस्मेटिक के मैट बॉक्सेस के लिपस्टिक्स के। तो ओवरऑल ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप उनको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं, और शेड्स भी मुझे ठीक लगी हैं, मे बी ब्रांड तो इन फ्यूचर इसके अंदर और शेड्स लॉन्च कर दे बॉक्सेस वाले, तो मैं और शेड्स भी इसके जरूर ट्राई आउट करना चाहूँगी। मुझे पीचेज एंड न्यू वाले पसंद आए थे, बट वो उस टाइम पर ऑफर में नहीं थे, मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहे थे, तो मैंने इसलिए नहीं लिए थे, मे बी इन फ्यूचर मैं वो वाला बॉक्स ट्राई आउट करूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई आउट करें, आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आप लोगों को क्रीमी सॉफ्ट मैट वाला फॉर्मूला पसंद है तो। अब मैं आप लोगों के साथ इसके स्वेचेस शेयर कर देती हूँ, मैं हैंड और लिप्स पर मैं दोनों पर करूँगी, और शेड नेम तो है नहीं, तो शेड नंबर मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए।
करिए मार्स कॉस्मेटिक के मैट बॉक्सेज वाले लिपस्टिक्स के, तो अगर मैं इसके अंदर की फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसके अंदर कॉफी फ्रेग्रेंस है। तो फर्स्ट आप जब अप्लाई करोगे आप लोगों को थोड़ा बॉदर कर सकती है, वियर्ड लगेगी, बट वो जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी देर में फेड हो जाती है, आप लोगों को बॉदर नहीं करती है। कॉफी फ्रेग्रेंस है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बॉदर करनी चाहिए। तो फ्रेग्रेंस मुझे ठीक लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ठीक है फ्रेग्रेंस। तो अप्लाई करते टाइम ही थोड़ा लग सकता है आप लोगों को। सो ये मेरा रिव्यू मार्स कॉस्मेटिक के मैट बॉक्स लिपस्टिक्स का। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं दर्शाइनी अंकिता, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर रिव्यू वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाना पसंद करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।